नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी के एक नए टॉपिक में जो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हीमोलिटिक एनीमिया का। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहां नॉर्मल आरबीसी इस तरीके से होती हैं, हीमोलिटिक एनीमिया के मामलों में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन आरबीसी का होने की वजह से कुछ इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। अब इसका कारण कहां पर छिपा हुआ है उसको देखने की जरूरत है। देख सकते हैं यहां पर इंट्राकार्पस्कुलर यानी आरबीसी के भीतर छुपा हुआ इसका कारण हो सकता है आरबीसी के बाहर इसका कोई कारण हो। आरबीसी के भीतर इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें आरबीसी के भीतर का मामला है तो इसमें आरबीसी के इंटीरियर में कोई एंजाइमेटिक कोई डिफेक्ट हो या फिर हीमोग्लोबिन का कोई फॉल्ट हो। आप आगे इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आरबीसी के भीतर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और एंजाइम्स होते हैं, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो सकता है आरबीसी के मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जैसे मामलों में होता है। इसके अलावा आरबीसी के मेम्ब्रेन में डिफेक्ट पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया जैसे मामलों में भी होता है। तो ये सारी चीजें इंट्राकार्पस्कुलर के कारणों में देखी जा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, आरबीसी कल्पना करिए, उसके एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन या फिर मेम्ब्रेन, उसका कारण हो सकता है जो इंट्राकार्पस्कुलर कॉज इसका है। दूसरा हो सकता है एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर, जो कि बाहरी फैक्टर्स की वजह से हीमोलिसिस करा रहा हो, जैसे हाइपरस्प्लेनिज्म या फिर एंटीबॉडी यानी इम्यून इसका कोई कॉज हो, या फिर माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिसिस हो, इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। स्पष्ट है कि आरबीसी की लिसिस होगी और इस वजह से हम एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ देखेंगे। अब ये कहां पर हो रहा है? वेसल्स के भीतर हो रहा है इस तरीके की हीमोलिसिस, या फिर वेसल्स के बाहर हो रहा है, इस आधार पर इसे एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस के दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। आप देखें यहां पर एक्स्ट्रावेस्कुलर में एंटीबॉडी कोटेड या इरेगुलर आरबीसीज होते हैं, जो कि लीवर, स्प्लीन या बोन मैरो के मैक्रोफेजेस के द्वारा डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। तो आप देखिए एंटीबॉडी कोटेड या इरेगुलर आरबीसी जब यहां पर टच में आ रहा है तो इसकी मैक्रोफेजेस इसे खाते हैं और इसका डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन के बाद आप देखेंगे यहां पर धीरे धीरे करके इंट्रासेलुलर हीमोग्लोबिन्स यहां मिल रहे हैं और ये आगे और डिस्ट्रॉय होकर के बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन के रूप में ये क्लियर किए जाएंगे। हिपेटोसाइट्स के आसपास के हिस्से में ये घटनाएं घटती हैं। ऐसी घटनाएं हो सकता है स्प्लिन के पास हो रही हूं, वहां का भी मैक्रोफेजेस इसे खा सकते हैं। बोन मैरो में भी ये घटना हो सकती है। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर कॉजेज में क्या होता है, कैसे इसे आप समझेंगे? तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर में इंजेक्शन ऑफ आर सेल्स या रेड सेल्स मैक्रोफेजेस के द्वारा उसको इंजेस्ट किया गया और ऐसी घटनाएं लीवर, स्प्लिन या बोन मैरो में होती है। यहां पर लिटिल या नो हीमोग्लोबिन स्केप्स इनटू सर्कुलेशन, यानी फ्री हीमोग्लोबिन आपको सर्कुलेशन में नहीं दिखेगा, हालांकि एनीमिया की प्रेजेंस होगी। यहां पर डिक्रीज हिपेटोग्लोबिन्स होंगे, नॉर्मल प्लाज्मा हीमोग्लोबिन होगा। बात समझ रहे हैं? प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा क्योंकि ये सेल के भीतर, लीवर के भीतर मैक्रोफेजेस या स्प्लीन या बोन मैरो में इन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है, तो इसलिए फ्री हीमोग्लोबिन नहीं होगा, फ्री हीमोग्लोबिन नहीं होगा, लेकिन एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ होगा क्योंकि आरबीसी तोड़ी तो गई है, इसलिए एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ होगा। जब हम देखते हैं इंट्रावेस्कुलर कॉजेस की वजह से, इसके अगेंस्ट जब इंट्रावेस्कुलर में देखेंगे तो सर्कुलेशन के दौरान ही ये रेड सेल्स तोड़े जाएंगे और इनके प्रोडक्ट्स प्लाज्मा में ही मिल जाएंगे। इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में हम देख सकते हैं आरबीसी सर्कुलेशन में है, उसकी डायरेक्ट लिसिस हुई है, ऐसा शेयर स्ट्रेस टॉक्सिन्स या कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से हो सकती है, ये ऐसा करा सकते हैं। कोई टॉक्सिन्स है या कोई कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट हो गए हैं जिन्होंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने की वजह से इंट्रावेस्कुलर फ्री हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है और ये प्लाज्मा के सर्कुलेशन में फ्री हो जाते हैं जो हिपेटोग्लोबिन से जुड़ते हैं। अगर हिपेटोग्लोबिन की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो रीनल ट्यूबुलर
एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, बात समझ रहे ना, हिपेटोग्लोबिन के साथ ही ये जुड़ करके आगे ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर उसकी संख्या कम पड़ने लगे, इतना ज्यादा ये डिस्ट्रॉय हो गए हों, तो रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिनूरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आमतौर पर ये हिपेटोग्लोबिन से जुड़ते हैं और हिपेटिक क्लियरेंस होता है, लेकिन अगर हिपेटोग्लोबिन की कैपेसिटी एक्सीड कर रही है तो हीमोग्लोबिनूरिया जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि यहां एनीमिया के प्रेजेंस के साथ ही साथ डिक्रीज्ड हिपेटोग्लोबिन आपको मिलेगा, डिक्रीज्ड हिपेटोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिनीमिया या हीमोग्लोबिनूरिया ये इंट्रावैस्कुलर में देखने को मिलता है। यूरिन में हीमोसिड्रिन्स की प्रेजेंस मिलेगी, क्यों मिलेगी आप समझ सकते हैं ना, कि इसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो ये फिर सारे यूरिन में पास आउट हो जाएंगे। यूरिन में हीमोसिड्रिन की लेवल भी मिलेगी और दोनों ही मामलों में एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो इस तरीके से इसका एक फंडामेंटल बेसिक कॉज हमें पता चला, इंट्रावैस्कुलर क्या है, एक्स्ट्रावैस्कुलर क्या है। इंट्रावैस्कुलर में सर्कुलेशन के दौरान ही हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएंगे, तोड़ दिए जाते हैं और ये हिपेटोग्लोबिन से जुड़ करके लीवर पर जाएगा, वहां जाकर के इसका आइडियल क्लियरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर संख्या ज्यादा है तो क्या होगा, ये यूरिन में एक्सक्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिनूरिया आपको मिलेगा। यूरिन में रेड कलर मिलेगा हीमोग्लोबिनूरिया, इसके साथ ही साथ आप हीमोसिड्रिन का बढ़ा हुआ लेवल पाएंगे, तो इसकी वजह से हीमोसिड्रिनूरिया भी यहां पर मिलेगा। आपने यहीं पर देखा ना, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है क्योंकि ये फ्री है इंट्रावैस्कुलर में। यूरिन में भी ये ज्यादा निकल रहा है और यूरिन में हीमोसिड्रिन का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस के दौरान होता है, तो याद रखना है ये ब्लड वेसल्स के भीतर होता है, ब्लड वेसल्स के भीतर होगा और यहां पर फ्री हीमोग्लोबिन बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें क्लियर करने के लिए हिपेटोग्लोबिन जुड़ता है, लीवर में जाकर के इन हिपेटोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को क्लियर किया जाता है। बात समझ रहे हैं, इसका क्लियरेंस कहां पर होगा, लीवर में होगा। तो इन्हें बाउंड करके हिपेटोग्लोबिन लेकर के आया, इसलिए इंट्रावैस्कुलर कॉजेज में हिपेटोग्लोबिन का लेवल घटा हुआ होता है। दूसरा, हिपेटोग्लोबिन सारा यूज हो जाएगा, उसके बाद भी अगर यूरिन में, सॉरी ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो अब वो यूरिन से पास किया जाएगा, जिसको हीमोग्लोबिनूरिया कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको हीमोसिड्रिन का बढ़ा हुआ लेवल भी बताया, तो उसकी वजह से हीमोसिड्रिनूरिया भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन कहां पर है, उसके आधार पर इसे क्लासिफाई किया गया। इंट्रावैस्कुलर मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रावैस्कुलर मैंने आपको बताया, तो उन सारी चीजों को समझना होगा। इंट्रावैस्कुलर का कारण मैंने भी आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड कोई कॉज हो तो इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस के कॉजेज मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्स आरबीसी के सरफेस पर, जो कॉम्प्लीमेंट्स का एक्टिवेशन हो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर, या फिर मैकेनिकल या फिजिकल कोई ट्रामा जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही हो, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तो मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लीमेंट्स के एक्टिवेशन होने के कारण आगे हम डिस्कस करेंगे पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया का, आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, फिर कुछ ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन, कुछ ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया इसके कारण हो सकते हैं। दो का नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए, फिजिकल या मैकेनिकल ट्रॉमा अगर आरबीसी को हो रही हो तो ऐसा माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया के मामलों में होता है। फिर एबनॉर्मल हार्ट वेसल्स की वजह से ऐसा हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन जैसे मामलों में भी ऐसा पॉसिबल है। तो यहां जो एबनॉर्मेलिटीज वेसल्स की बताई गई है, इसका आप वैस्कुलाइटिस से आप इसका कारण जोड़ करके देख सकते हैं। कार्डियक वॉल में कई बार मेटलिक वॉल्स होने की वजह से एबनॉर्मेलिटीज, हार्ट में, हार्ट की वेसल्स में वॉल्व में कोई दिक्कत हो, जैसा मेटलिक वॉल्व होने पर भी ऐसा हो सकता है कि फिजिकल ट्रॉमा होता है। आप कई बार देखे होंगे कि जो कार्डियक वॉल्स लगाई जाती हैं वो एक ट्रॉमा आरबीसी को देती रहती है, उसकी वजह से भी ये टूट सकता है। फिर वैस्कुलाइटिस के दौरान भी नैरो ल्यूमेन छोटा हो जाता है, बात समझ रहे ना, नैरो ल्यूमेन हो जाता है, जिसके कारण इस तरीके के मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण, बर्न हो सकता है, स्नेक विनोम हो सकते हैं,
ऐसे हालांकि स्नेक विनोम को तो आप यहां पर रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो टॉक्सिक माइक्रो एनवायरनमेंट आरबीसी के अराउंड क्रिएट करे, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का इन्फेक्शन या विनोम की वजह से, या फिर थर्मल इंजरी होने पर, या फिर कोई ड्रग रिएक्शन हो रहा हो G6PD डिफिशियंसी के मामलों में, तो अलग अलग लेवल पर इसको सोचा जा सकता है। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हो या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड अगर मामले हैं तो दो तरीके से ये हो सकता है, पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिनीमिया या फिर ग्लोबिनूरिया, या फिर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया जिसे PNH कहते हैं। ये दोनों कारण आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा मैकेनिकल, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें ड्रम बीटर्स में मार्च हीमोग्लोबिनूरिया, लगातार वो ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होने लगे, तो ऐसे कारणों में मार्च हीमोग्लोबिनूरिया होता है। कार्डियक वाल्व में कोई रिप्लेसमेंट हुआ हो, मेटेलिक वाल्व लगाया गया हो, तो उसकी वजह से भी हीमोलिसिस हो सकती है। मार्च हीमोग्लोबिनूरिया जो नाम रखा गया वो सामान्य सा नाम है, आपने देखा वो भांगड़ा बजाने वाले ड्रम बीटर्स होते हैं, या फिर मार्च पास्ट करने वाली, या फिर मैराथन रनर्स में लगातार वेसल्स में इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन बनता है कि ट्रॉमा की वजह से, मैकेनिकल इंजरी की वजह से आरबीसी टूट जाते हैं। फिर वेस्कुलाइटिस के मामलों में नैरो ल्यूमेन होने की वजह से आप कल्पना कर सकते हैं कि आरबीसी उस रास्ते से गुजरेगी तो टूट सकती है। ऑस्मोटिक कॉजेज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे मामलों में भी ऐसा पॉसिबल है। तो डिस्टिल वाटर कहीं पर गलती से ट्रांसफ्यूज कर दिया गया हो, समझ रहे ना, नॉर्मल सेलाइन की जगह किसने डिस्टिल वाटर डाल दिया, तो ऑस्मोटिक कॉजेज की वजह से भी टूट सकता है। फिर माइक्रो एनवायरनमेंट जो आरबीसी के आसपास है उसमें कोई दिक्कत हो, जैसे केमिकल या थर्मल डैमेज हो, ऐसा इन्फेक्शन के समय हो सकता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हों, जैसे अल्फा टॉक्सिन्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। बर्न के मामले, स्नेक विनोम, या फिर ड्रग्स, ग्लूकोज 6PD डिफिशियंसी के मामलों में ड्रग्स दिए जाने पर, और अगर वो गलती से गलत तरीके के ड्रग्स दिए जा रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। तो अब तक हम लोगों ने इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस के बारे में देखा, समझने की कोशिश किया कि आरबीसी अपने सर्कुलेशन के भीतर ही कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आरबीसी अपने सर्कुलेशन के समय ही डिस्ट्रॉय हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में जिस स्लाइड पर हम लोगों ने चर्चा किया था, ये जिस स्लाइड की बात हम कर रहे थे, एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर या इंट्रा कार्पस्कुलर की जो हम बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर के आधार पर है। हीमोलिसिस किस जगह पर हो रही है उसके आधार पर हम दूसरी बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर, इंट्रा कार्पस्कुलर, ये आरबीसी के स्ट्रक्चर के आधार पर बात कही जा रही है, लेकिन लोकेशन ऑफ हीमोलिसिस कहां पर है उसकी बेसिस पर हीमोलिटिक एनीमिया को यहां पर हम अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हीमोलिसिस क्या सर्कुलेशन के समय ही हो रही है या बाद में हो रही है, तो यह पता चल रहा है कि ऐसा लीवर में, या फिर स्प्लीन में, या फिर बोन मैरो में एक्स्ट्रा वैस्कुलर लेवल पर हो रहा है, ऐसा इनहेरिटेड आरबीसी के डिफेक्ट्स जो मेम्ब्रेन में हो सकता है या फिर हीमोग्लोबिन के लेवल पर हो सकता है। तो वैसे तो अगर आप देखें तो इसको आप किस रूप में लिखेंगे, इंट्रा कार्पस्कुलर, लेकिन वैस्कुलर वाइज कहेंगे तो ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर है। तो यहां पर इनहेरिटेड आरबीसी का डिफेक्ट जो मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है, इनहेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एंड इलेप्टोसाइटोसिस, दूसरा हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया जैसे कारण, और इसमें ऑटो इम्यून कॉजेज भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दो कारण हैं, एक तो ये कि एंटीबॉडी कोटेड कोई आरबीसी डिफेक्टिव, मींस इस तरीके के मामले जिसमें एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी आ गई, या फिर इरेगुलर आरबीसी सर्कुलेशन में है, ये लीवर में पहुंचा, मान लीजिए लीवर में पहुंचा तो वहां पर मैक्रोफेजेस ने इसे खाया और इसके हीमोग्लोबिन को रिलीज किया, जो बाद में चलकर बिलीरुबिन, फिर बिलीरुबिन के रूप में क्लियर होता है। तो इम्यून के बेसिस पर हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने पर ऐसा हो सकता है कि एंटीबॉडी कोटेड हुए वहां पर मिले, या फिर AIHA के मामलों में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन या फिर कोल्ड एग्लूटिनिंस, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर में हीमोलिसिस कैसे हो सकता है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस या इलेप्टोसाइटोसिस जो मैकेनिकल डिफेक्ट्स कराएगा, ये सारे कारण हमें दिमाग में सोचना होगा।
कई बार एज ए मेडिसिन एक्सपर्ट जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें अंतर करना होता है, इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस हो रही है या एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस हो रही है। कारण को उस हद तक जाकर के सोचने की जरूरत होती है। जब इंट्रावैस्कुलर होगा तो मैंने आपको बताया ना, हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा फ्री होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा फ्री होगा, इसलिए हीमोग्लोबिनीमिया या यूरिया होगा, फीवर चिल्स के साथ होगा, क्योंकि वहां पर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स तुरंत काम करना शुरू करेगा, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डिप्सनिया होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सर्कुलेशन में नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन, ज्वाइंडिस, ये सारी चीजें होंगी। यहां पर चूंकि आराम आराम से हो रहा है इसलिए फीवर चिल्स तो होगा, ज्वाइंडिस होगा, लेकिन ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल रहेगा, कॉम्प्लिकेशन उतने ज्यादा नहीं होते, क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल होता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए लेबोरेटरी के फाइंडिंग हमें सीधे तौर पर बता देगा, यहां हीमोग्लोबिनीमिया, यहां हीमोग्लोबिनीमिया रेयर होता है और बिलरुबिन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, यहाँ बढ़ा होगा लेकिन उतना नहीं, एलडीएच का लेवल भी यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर कॉजेज में आप सीधे तौर पर देखेंगे कि डिफेक्टेड आरबीसी है जो कि लीवर में जाकर के उसको डैमेज किया जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो इंट्रा कार्पस्कुलर ये मामले हैं तीनों। अब देखिए ना, हीमोग्लोबिनोपैथीज जैसा थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया में देखेंगे, तो ऐसे मामले वैसे देखा जाए तो आरबीसी के भीतर के हैं, लेकिन ये डिस्ट्रॉय कहां हो रहे हैं? एक्स्ट्रा वैस्कुलर। तो कार्पस्कुलर की बात करें तो इंट्रा कार्पस्कुलर, वैसे है तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर, ये तीन डिफेक्ट्स। तो इस तरीके के मामले, फिर ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं, एंजाइम्स में कोई डिफेक्ट है, जैसे ग्लूकोज 6-PD डिफिशियंसी, ऐसे मामले, पायरुएट काइनेज की डिफिशियंसी यहां पर सोचा जा सकता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का तो मैंने आपको बताया ही, हीमोग्लोबिनोपैथीज के मामले यहां पर देखे जा सकते हैं, और इस तरीके की चीजें हम सोच सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें आरबीसी बड़े साइज का है, इस वजह से भी और डिफेक्टिव भी है, इस वजह से भी एक्स्ट्रावैस्कुलर उसका उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो बाहरी कारणों में हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी एलिप्सोसाइटोसिस और पीएनएच जैसे मामले मेम्ब्रेन के डिफेक्ट से रिलेट करके सोचे जा सकते हैं। मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होने से ऐसा होता है, मेम्ब्रेन के डिफेक्ट्स के मामले तो हमने समझा। इसके अलावा एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज 6-PD डिफिशियंसी, पायरुएट काइनेज डिफिशियंसी, ये एंजाइमेटिक कॉजेज हैं। फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कॉजेज भी हो सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया जैसे मामले। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि बाहर से ये सारा आरबीसी का डिफेक्टिव तो है ही, इसमें एंटीबॉडी के साथ भी जुड़ करके वो पहुंचा हुआ है, तो ऑटो इम्यून कॉजेज भी एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन न्यूरिया के बारे में।